नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिक्रूटमेंट जॉब यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पावर ग्रिड की तरफ से यहाँ पर बहुत बड़ी भर्ती निकल के आ चुकी है। दोस्तों, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से दोस्तों बहुत सारी पोस्ट है, अच्छी खासी पोस्ट है, सैलरी भी बहुत ही बढ़िया मिलने वाली है और फीस भी ज़्यादा नहीं है। तो दोस्तों चलो देख लेते हैं डायरेक्टली ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर कौन कौन सी पोस्ट निकली है, कितनी सारी पोस्ट निकली है, कब तक अप्लाई करना है, फीस क्या लगने वाली है और बाकी की सारी चीज़ें। तो दोस्तों चलो देख लेते हैं डायरेक्टली ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। दोस्तों आप देख सकते हो आपके सामने ओपन हो चुका है ऑफिशियल नोटिफिकेशन, पावर ग्रिड की तरफ से निकला हुआ नोटिफिकेशन आप यहाँ पे देख सकते हो। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से निकला हुआ नोटिफिकेशन निकला है 15/11/2022 को। तो दोस्तों चलो देख लेते कौन कौन सी पोस्ट है, कितनी सारी पोस्ट है डिटेल्स में। तो आप यहाँ पर देख सकते हो पोस्ट जो है वो टोटल आप यहाँ पर देख सकते हो और कितनी सारी वो भी देख सकते हो। तो आप देखिए पहला जो पोस्ट है फील्ड इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए, यहाँ पर टोटल 50 पोस्ट निकल के आ चुकी है, कैटेगरी वाइज आप चेक कर सकते हो। दूसरी पोस्ट है फील्ड इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए, यहाँ पे 15 पोस्ट निकल के आ चुकी है। फील्ड इंजीनियर आईटी के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो 15 पोस्ट निकल के आ चुकी है। फील्ड सर्वेयर के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रिकल के लिए 480 पोस्ट है और फील्ड सुपरवाइज़र इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए यहाँ पे 240 पोस्ट है। तो बहुत ही बढ़िया पोस्ट है, करीबन 800 पोस्ट की भर्ती दोस्तों निकल के आ चुकी है। अगर आप यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हो तो ज़रूर अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों बाकी चीज़ें भी डिटेल्स में हम लोग जान लेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो अपर एज लिमिट का कितना रहेगा, तो आप यहाँ पे देख लीजिए 29 ईयर्स दिया गया, मतलब 29 साल आपका उम्र होना चाहिए, 29 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और जो एज है वो 11/12/2022 को गिना जाएगा। इसका मतलब आपका जो जन्म है वो 11/12/1993 से लेके 11/12/2004 के बीच का होना चाहिए। दोस्तों बाकी की चीज़ें देखते हैं, जैसे कि क्वालिफिकेशन क्या लगने वाली है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो FE इलेक्ट्रिकल के लिए, यहाँ पे फील्ड इंजीनियर के लिए फुल टाइम BE या तो फिर BTEC या फिर BSc इंजीनियरिंग आपने अगर किया है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। इसलिए आपका जो डिसिप्लिन है वो इलेक्ट्रिकल होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन में या तो फिर इक्विवेलेंट कोई भी डिसिप्लिन में 55% मार्क्स के साथ में अगर आपने BE किया है या BTEC किया है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। इसमें डिसिप्लिन क्या क्या आएंगे आप चेक कर सकते हो, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम इंजीनियरिंग और पावर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल। इसमें से अगर किसी भी डिसिप्लिन में आपने इंजीनियरिंग की है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों दूसरा जो है आप यहाँ पे देख सकते हो FE इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इस पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन है फुल टाइम BE या BTEC या फिर BSc इंजीनियरिंग चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो विथ 55% मार्क्स भी होना ज़रूरी है। दोस्तों अगली जो पोस्ट है FE IT के लिए, आईटी के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो फुल टाइम आपका BE BTEC होना चाहिए, BSc इंजीनियरिंग होना चाहिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ 55% मार्क्स होना भी ज़रूरी है। दोस्तों अगले आप देख सकते हो पोस्ट जो है FS इलेक्ट्रिकल के लिए, यहाँ पे फुल टाइम आपका डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल या तो फिर इसके इक्विवेलेंट किसी डिसिप्लिन में विथ 55% मार्क्स के साथ में। और दूसरी बात हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन अगर आपकी है BTEC या BE या EMTEC विदाउट डिप्लोमा तो आपको यहाँ पे कोई भी अलाउड नहीं किया जाएगा, मतलब अगर आपका डिप्लोमा है तो ही आप यहाँ पे अप्लाई कर लीजिए या तो फिर डिग्री वाले यहाँ पे ना अप्लाई करें इस पोस्ट के लिए। दोस्तों अगली पोस्ट है FS इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए, इसके लिए भी सेम दिया गया है आपका हाई क्वालिफिकेशन होगा तो यहाँ पर अप्लाई नहीं करना है, डिप्लोमा ही चाहिए और यहाँ पे फुल टाइम 3 साल का आपका डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों बाकी की चीज़ें आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, जैसे कि इसके लिए सैलरी कितनी मिलने वाली है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो पोस्ट जो है ID 208, 209 और 210 के लिए, मतलब आप यहाँ पर देख सकते हो 208, 209 और ये 210, ये तीन पोस्ट के लिए यहाँ पर आपको जो है वो 30,000 रुपये आपको यहाँ पे पर मंथ से लेके 1,20,000 रुपये तक आपको यहाँ पे सैलरी मिलेगी। बेसिक पेज आपका 30,000 रहेगा प्लस इंडस्ट्रियल DA HRA और अदर्स अलाउंसेस भी रहेंगे, और जो पर्क है प्लस मीन्स 35% बेसिक पे से आपका पर्क रहता है तो वो भी आपको यहाँ पे मिलेगा। और दूसरा अगला जो ID है 211 और 212 के लिए, तो आप यहाँ पर देख सकते हो 23,000 से लेके 1,05,000 रुपये तक आपको यहाँ पे सैलरी मिलेगी। इसमें 23,000 बेसिक रहेगा, बाकी इंडस्ट्रियल DA प्लस HRA रहेगा, तो इस तरह से आपका यहाँ पे सैलरी मिलने वाली है। अदर बेनिफिट्स भी यहाँ पे बहुत सारे हैं, आप एक बार चेक कर लीजिए आपके समझ में आएगा। एज में रिलैक्सेशन भी मिलेगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो रिलैक्सेशन
एससी एसटी पीडब्ल्यूडी ओबीसी एक्स सर्विसमैन जम्मू एंड कश्मीर डोमिसाइल विक्टिम रॉयर्स इन सब के लिए गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन भी मिलने वाला है एज में। बाकी और चीज़ें जो लगती है इम्पोर्टेंस वो भी आप यहाँ पे चेक कर लीजिए, एक बार पूरी एडवर्टाइज पढ़ लीजिए, उसी के बाद में आपको यहाँ पे समझ में आएगा। सिलेक्शन प्रोसेसर कैसे रहने वाली है तो आप यहाँ पे देख सकते हो, सिलेक्शन विल बी इन्वॉल्व इंटरव्यू ओनली, सिर्फ इंटरव्यू के ऊपर आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। तो इंटरव्यू के लिए आपको यहाँ पे प्रिपेयर होना पड़ेगा और टेस्ट वुड बी 1 आवर ड्यूरेशन, टेस्ट 1 घंटे का रहेगा। टेक्निकल नॉलेज टेस्ट रहेगा, 50 क्वेश्चन रहेंगे उसके ऊपर बेस इंजीनियरिंग सिलेबस के ऊपर, और 25 क्वेश्चन रहेंगे एप्टीट्यूड के टेस्ट के ऊपर। उसमें लॉजिकल रीजनिंग रहेगा, डाटा इंटरप्शन रहेगा, कंप्रेंशन रहेगा, वोकैबुलरी रहेगा, डाटा सफिशिएंसी एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, सबके ऊपर 25 क्वेश्चन रहेंगे। तो टेस्ट भी होगा और इंटरव्यू भी होगा। और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पे 40% इंक्लूडिंग दिया EWS के लिए, और रिजर्व के लिए 30%। बाकी चीज़ आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, यहाँ पे आप देख लीजिए फीस कितना लगने वाला है। तो सबसे पहले जो 3 पोस्टें पहली 208, 209 और 210, जैसे कि फील्ड इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल ENT एंड IT के लिए 400 रुपये फीस आपको यहाँ पे लगने वाली है, और जो फील्ड सुपरवाइज़र की पोस्ट है उसके लिए यहाँ पे 300 रुपये फीस आपको लगेगी। तो ये फीस आपको यहाँ पे भरनी ज़रूरी है। और ऑनलाइन तरीके से एप्लीकेशन आपको करना है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ऑनलाइन तरीके से रजिस्ट्रेशन भी करना पड़ेगा पावर ग्रिड के ऊपर जाके, और एप्लीकेशन भी आपको इस पावर वेबसाइट पे जाके करना पड़ेगा। तो इस तरह से दोस्तों ये निकली हुई भर्ती है, अगर आप यहाँ पे इंटरेस्टेड हो तो आप ज़रूर अप्लाई कर लीजिए। और दोस्तों अगर आपको लगता है कि आपको सचमुच गवर्नमेंट जॉब मिलना चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि मेरे चैनल पे ऐसे वीडियो रहते हैं जो गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में होते हैं। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने से वीडियो के नीचे आपको रेड कलर का बटन मिलेगा, सब्सक्राइब लिखा हो उसको दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ एक बेल आइकन आएगा, घंटा आएगा, उसको दबा के ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि जैसे नया वीडियो बना उसको नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे। दोस्तों मिलते हैं नए जॉब के साथ में नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।